इंग्लैंड को चाहिए 399 रन इंग्लैंड को चेस करने। अभी तक का बेसबॉल का असल इम्तिहान अब होगा। चौथी इनिंग्स में 400 उत्तर अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो, चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख कर दे रहा हूं नहीं बनेगा। इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया। पिछले टेस्ट मैच में जो गलतियां हुई थी इस दफा नहीं हो रही, दोनों इनिंग्स के अंदर 200 आए हैं। जी हां, शुभमन गिल की शानदार किस्म की बल्लेबाजी। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी, इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो। तो पिछली इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है वो जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी, और अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला है, सबका चला है। तो भाई शुभमन गिल चला है, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना। अगर इंग्लैंड ना होती, कोई और टीम होती, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते थे कि इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीत गया, क्योंकि ये इंग्लैंड है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने इससे पहले चेस किए हुए, इंग्लैंड फेमस इस चीज से हुआ था कि जब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े टारगेट को चेस करना था, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पहले है ना इनको, ये छनकना भी बजाया उसने साथ, घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। चाहे वो एंडरसन हो, हार्टली हो, रेहान अहमद हो, बशीर हो, हर एक को उसने पेला है, हर एक को रख रख के पेला है। और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मुझे लगता है आ चुकी हुई है, और इंग्लैंड का इस वजह से कहता ना बुरा हाल है। अरे बॉब्जी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए, बाबर आजम तो रन करता ना पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला है। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। बिल्डन ऑन शुभमन गिल के, शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सर्वाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया, अनलकी हो गया 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया। क्या इंग्लैंड अगेन रिकॉर्ड बनाएगी? 399 इज द फिगर, ये टारगेट चेस करना इंडिया के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। आपने अगर एक चीज नोट की हो तो पिछले दो घंटों से जो बॉल है वो स्पिन ज्यादा कर रहे हो, 400 तक टारगेट ले गए हो, 400 तक टारगेट ले गया, चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट चेज ही नहीं होता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आज भारतीय टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के सामने 399 रनों का टारगेट रख दिया है, जिसमें भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने क्या शानदार प्रदर्शन की है आप सबने देखा ही होगा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों की पारी खेली है, जिसके बदौलत भारतीय टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई है। वहीं आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम आज बैटिंग कर रही थी, जो कि आज का दिन खत्म हो गया, उसमें इंग्लैंड की टीम 67 रन बनाकर एक विकेट गिरा है इंग्लैंड का। मन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा, घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पहले है ना इनको, ये छनकना भी बजाया उसने साथ, घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैट के पहला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे बॉब्जी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए, बाबर आजम तो रन करता ना पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला है। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। अभी कोई आ रही है मुझे ना बोले इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग अच्छी नहीं की, ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो पहली इनिंग में भी तो डिफरेंस यही था, यशस्वी जायसवाल ने खेला था, बाकी किसी ने नहीं था खेला। दूसरी इनिंग में भी यही है, गिल ने खेला है, बाकी किसी ने नहीं खेला। इंग्लैंड को चाहिए 399 रन इंग्लैंड को चेस करने। अभी तक का बेसबॉल का असल इम्तिहान अब होगा, क्योंकि बेसबॉल पिछले 18 महीने से कामयाब इसलिए हुई है क्योंकि वो चौथी इनिंग्स के अंदर बड़े बड़े चेस किया करते थे। लास्ट टाइम भी उन्होंने काफी ज्यादा चेस किया था इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन क्या इंग्लैंड अगेन रिकॉर्ड बनाएगी? 399 इज द फिगर, ये टारगेट चेस करना इंडिया के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। आपने अगर एक चीज नोट की हो तो पिछले दो घंटों से जो बॉल है वो स्पिन ज्यादा कर रहा है। टॉम हार्टली ने 4 विकेट लिए, रेहान अहमद ने 3 लिए, शुएब बशीर ने 1 लिया और जिमी एंडरसन ने 3 विकेट लिए। इंडिया के शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी के बावजूद ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने 30-40 रन कम कर दिए, क्योंकि मैं चाहता था इंडिया 400 प्लस पे जाए, एटलीस्ट 420-430 के ऊपर इंडिया जाए। लेकिन फिर भी 399 काफी ज्यादा रन होते हैं। अगर इंग्लैंड ना होती, कोई और टीम होती, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते थे कि इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीत गया, क्योंकि ये इंग्लैंड है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने इससे पहले चेस किए हुए, इंग्लैंड फेमस इस चीज से हुआ था कि जब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े टारगेट को चेस कर रहा था। 400 तक टारगेट ले गए हो, चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट चेस ही नहीं होता।
चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट तब भी चेज होगा अगर इंग्लैंड तेज खेलेगा। अगर डिफेंसिव अप्रोच पे आएंगे तो ये 400 नहीं बना पाएंगे, और ये 400 वाली पिच है भी नहीं, इधर 400 बनना ही नहीं है। ये दो बार भी बैटिंग कर ली है, 400 वाला पिच ही नहीं है। अभी इंडिया को दे दो दूसरी इनिंग्स में, भाई ये है ही नहीं 400 वाली पिच। चौथी इनिंग्स में 400 पुत्र अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो, चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख कर दे रहा हूं नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। अपने घर की छत में नहीं खेल रहे आप लोग के बन जे, बनेगा ही नहीं। और शुभमन गिल ने जो बजाया आज पकड़ के घंटा, तीसरा उसने 100 ठोका आज अपना टेस्ट कैरियर का, और मुझे लगता है कि ये वाला 100 उसको कॉन्फिडेंस देगा, ये वाला 100 उसको बूस्ट अप करेगा उसके कैरियर में। सवाल ये आता है, क्या बेसबॉल, क्या बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकेलम की टीम इंग्लैंड इस टारगेट को चेस कर लेगी? अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और असल इम्तिहान शुरू होगा इंडियन बॉलर्स का, क्योंकि जो बल्लेबाजों ने करना था वो कर लिया। आपने एक चीज देखनी पड़ेगी, जायसवाल ने पहली इनिंग के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बाकी फ्लॉप। इस इनिंग के अंदर गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, बाकी फ्लॉप। अक्षर पटेल ने थोड़े अच्छे रन किए, तो ये जो बाकी फ्लॉप वाला काम है ना, ये अच्छा नहीं है। हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई और साथ नहीं दे रहा, और टेल भी रन नहीं कर रही, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। वैसे देखा जाए, दोबारा कहूंगा, इंडिया का टारगेट बड़ा अच्छा है, 399 बड़े ज्यादा रन है, ये जो सब कहते हैं कम रन नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि सामने वाली टीम है इंग्लैंड, दी माइटी इंग्लैंड, जो कि फेमस है चेस के लिए, तो अब ये मुझे भी लगता है उनके लिए आसान नहीं होने वाला। या तो ये जो बेसबॉल है ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी 150 या 180 के अंदर इन्होंने आउट हो जाना, या तो ये टारगेट के करीब चले जाएंगे। अब होगा क्या ये देखना बाकी है। अभी पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, शुभमन गिल। मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है। लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल, के शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सर्वाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन ये 100 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे शुभमन गिल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया को भी स्पॉट ऑफ बॉदर हो चुका था। जिमी एंडरसन ने आज एक दफा फिर बताया कि भाई साहब, आई एम स्टिल गुड इनफ बॉलर इस उम्र में भी, आई एम स्टिल वेरी कंपेटिटिव रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर, मैं एक ही फॉर्मेट खेलता हूं, तो यहां मेरा बड़ा कमांड है। शुभमन गिल ने जब रन कर दिए तो बाकियों ने क्या किया, केएस भारत क्यों नहीं रन कर पाए, क्यों उन्होंने ज्यादा रन नहीं किए? इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर पे सवाल आता है, अश्विन पे भी सवाल आता है, क्योंकि अश्विन एक अच्छा खासा बल्लेबाज है। अश्विन जिसको कहते हैं ना और ज्यादा लंबा खेल सकते थे, अश्विन को साथ भी नहीं किसी ने दिया, अश्विन का जिसको कहते हैं कोई साथ भी नहीं खड़ा हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सवाल तो बड़े सारे हैं, बट आप अगर फिगर देखेंगे तो फिगर तो इंडिया की अच्छी है, ये फिगर तो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी फिगर है, ये काफी ज्यादा रन इन्होंने स्कोर कर दिए। कोलैप्स हुआ है शुभमन गिल के आउट होने के बाद, एकदम से कोलैप्स हुआ है। इंग्लैंड जो है वो इसको जिसको कहते हैं ना खुश गया है, वो खुश इसलिए गया है क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये है कि 400 नहीं है, 399 का टारगेट है, 400 का फिगर नहीं लगा हुआ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, खास करके शुभमन गिल की, क्योंकि उन्होंने शानदार शतक मारते हुए 104 रनों की पारी खेली है। और आपको बता दें कि इसके पहले शुभमन गिल के ऊपर इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से खराब हो गई है, इनको निकाल देना चाहिए, टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है, पूरी तरीके से उन सभी लोगों को मतलब शॉक्ड कर दिया कि उन्हें टीम में रहना क्यों इतना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि आज भारतीय टीम इंग्लैंड को 399 रनों का टारगेट दे दिया है, जो कि आज तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया, जिसमें मतलब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर भी रही है, जिसमें मतलब 67 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम की एक विकेट गिरा हुआ है। वहीं भारतीय टीम को अभी मतलब 353 रन अभी भी बचाना है इंग्लैंड से। और आपको बता दें कि कल ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी चल रही है, पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तबाह कर देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि 399 का टारगेट इतना छोटा भी नहीं होता है, जितना इंग्लैंड ने सोचा था उतना नहीं बना मतलब कर पाए। वहीं आपको बता दें कि इनका 67 पे एक विकेट भी गिर गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कल जिस तरह से गेंदबाजी होगी, पूरी तरीके से इनकी बेसबॉल की औकात का पता चल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से शुभमन गिल ने आज पारी खेली है, पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसके पहले उन्हें निकालने की बातें हो रही,
रही थी और आज सभी लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुमन गिल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि पहले पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 200 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं मतलब दूसरे पारी में सुमन गिल ने मतलब 104 रनों की शानदार पारी खेली है। मतलब दोनों पारी में कोई बल्लेबाज इन दोनों के अलावा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन बॉलिंग में तो जसप्रीत बुमराह ने क्या शानदार बॉलिंग कराई, आप सबने देखा ही होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि कल भारतीय टीम आसानी से इस मैच को जीत जाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।